द इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ लायंस क्लब द्वारा इंदौर के खजुराना क्षेत्र में शासकीय स्कूल में गरीब बच्चों के बीच चायगिरी दिल से का आयोजन रखा गया, जहां पर विभिन्न तरह की प्रतियोगिताओं के साथ ही बच्चों को पुरस्कृत किया गया और जरूरतमंद बच्चों को नोटबुक वितरित की गई और उनका हेल्थ चेकअप भी निःशुल्क करवाया गया। कोरोना की दूसरी लहर के बाद तीसरी लहर की संभावनाएं जताई जा रही है, जहाँ गरीब बच्चों के बीच द इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ लायंस क्लब ने खजुराना स्थित करीब 1600 बच्चों के बीच पहुंचकर चायगिरी दिल से कार्यक्रम का आयोजन रखा। इस दौरान बच्चों के साथ ही क्लब के लोगों में भी उत्साह का माहौल दिखा। इस दौरान इंदौर जोन 2 के चेयरपर्सन ओपी श्रीवास्तव ने बताया कि लायंस क्लब और सावित्री देवी चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा हर वर्ष जरूरतमंद बच्चों के लिए सेवा कार्य किए जाते हैं, जहाँ इसी कड़ी में यह आयोजन रखा गया। आगे भी लगातार इस तरह के आयोजन ट्रस्ट और लायंस क्लब द्वारा जारी रहेंगे। क्या आयोजन यहाँ पर रखा गया है? एक्चुअल में हमारा लायंस क्लब इंटरनेशनल का सेवा सप्ताह चलता है 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जयंती से लेकर 8 अक्टूबर तक। उसके तहत हम विभिन्न क्षेत्रों में सेवाएं देते हैं। तो आज हमारा रीजन 2 थ्राइव है, उसकी चायगिरी दिल से प्रोजेक्ट का हमने यहाँ शुभारम्भ किया है और हमारे जोन चेयरपर्सन दोनों हमारे साथ उपस्थित हुए और साथ ही लायंस क्लब ऑफ इंदौर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स का पूरा सहयोग इसमें रहा है हमारे साथ। हमने आज यहाँ पर बच्चों को कॉपियाँ दी हैं, साथ ही साथ उनका टोटल हेल्थ चेकअप हम करवाएंगे बच्चों को और निःशुल्क चश्मों का वितरण भी हमारे साथ है और टाइम टाइम पे हम अलग अलग तरह के चेकअप शुरुआत करेंगे क्योंकि आज ये पहला दिन है। तो हमने आई चेकअप रहा था और हमारे बीच में हमारे प्रिंसिपल शिवा श्रीवास्तव जी उपस्थित हैं, हमारी राशि सोलंकी जी उपस्थित हैं। आगे का मैं चाहूँगी कि क्या हमने दिया है वो ओपी श्रीवास्तव जी बताएं। जॉन चेयरपर्सन हूँ और सावित्री चैरिटेबल ट्रस्ट का संरक्षक। हमारे द्वारा एक तो बच्चों को नोटबुक दी गई है, चैरिटेबल ट्रस्ट जो है सावित्री चैरिटेबल ट्रस्ट उसके द्वारा प्रतिवर्ष दी जाती है। 2 साल से लॉकडाउन होने के कारण हम नहीं दे पा रहे थे और इस स्कूल में राशि मैडम है और सीमा मैडम है, आपका हमको बड़ा सहयोग है और आज हमने एक प्रिंटर दिया है और जो बच्चों के बीच में हमने कुछ कंपटीशन करवाए थे, ड्राइंग प्रतियोगिता और आदर्श प्रतियोगिताएँ, नशा मुक्ति, उसका जो प्राइज वितरण है वो किया गया है। डॉक्टर्स की एक टीम आई हुई है, आई स्पेशलिस्ट आए हुए हैं, वो बच्चों के जांच कर रहे हैं और जैसे लॉकडाउन के कारण अगर किसी बच्चे की आँख में कोई चश्मे का नंबर वगैरह पाया गया तो हम चश्मा प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं और अदर हेल्थ चेकअप भी है और हमने एक बुक बैंक की स्थापना की है जिससे कि बच्चे अच्छा साहित्य पढ़ सकें, उसके लिए भी किया। सर, हमारा शहर दूसरी लहर से निकला है कोरोना की और कहा जा रहा है तीसरी लहर भी आ सकती है संभवतः और बच्चों पर इसका अटैक रहेगा, तो आपका ट्रस्ट और लायंस क्लब है किस तरह से इसको लेकर तैयारियां आगे आपने रखी हुई है? हमारा जो लायंस क्लब है और हमारा ट्रस्ट है, हम लोग जो फर्स्ट लेयर थी उसमें भी हमने काम किया है, MY में भी हम लोगों ने काम किया, बाईपास पे मजदूर निकले उनको भी मेडिसिन और खाना उपलब्ध कराने में भी काम किया है, सेकेंड लेयर में भी हम काम करेंगे और थर्ड लेयर में हम भी सरकार के साथ हैं और सरकार जो भी गाइडलाइन जारी करेगी हम उसमें पूरा सहयोग करेंगे। सर, आज कितने बच्चों को यहाँ पर आपने इस स्कूल में 1600 बच्चे हैं और परीक्षण में चूँकि टाइम लगेगा, एक दिन में तो संभव है नहीं है, इसलिए ये प्रोसेस चलता रहेगा हेल्थ चेकअप और आई चेकअप का और जितने दिन लगे अब हम उसके लिए हम कुछ बता नहीं सकते। कहाँ कहाँ करेंगे सर आप इस तरह के सेवा कार्य? नहीं, सेवा कार्य तो हम बहुत जगह कर रहे हैं, जैसे आज अभी सुबह हमारा मेघदूत गार्डन पे डायबिटीज का और BP चेकअप का एक प्रोग्राम था जो हमने आज किया हुआ है और वहाँ भी हमने जितने वो थे उनके तत्काल डायबिटीज का चेक करके और उनको बताया और हमारे डॉक्टर्स भी उपलब्ध थे, उन्होंने उनको उनसे कंसल्ट किया और उनको एडवाइस। आपका परिचय सर? मैं OP श्रीवास्तव। KRN न्यूज़ के लिए इंदौर से भारत नरवरे की रिपोर्ट।